वेलकम गाइस, हाउ आर यू? आई एम सुरेश प्रजापति, डी रेडियंट डीसीपी में आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? हम लोग पिछली क्लास में जो है स्टार्ट किया था फ्रैक्शन एंड डेसिमल, वी वर्डमॉस हमारा फिनिश हुआ था और हमने फ्रैक्शन स्टार्ट किया होता। तो फ्रैक्शन की जो है हमारी कल दूसरी क्लास की, सॉरी पहली क्लास की, आज दूसरी क्लास है। ठीक है गाइस, आज दूसरी क्लास है, मतलब हमारी मैथमेटिक्स की टोटल में आज सातवीं क्लास स्टार्ट हो रही है। ओके गाइस, हमने अभी तक मैथमेटिक्स के सिक्स क्लासेस को पूरा कर दिया है, आज सातवीं क्लास है और सातवीं क्लास में जो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल का जो है दूसरा क्लास है, मतलब आज हम सेकेंड स्टेज में पहुंचे हैं। ओके गाइस, तो हमने जो फ्रैक्शन और डेसिमल को स्टार्ट किया था, जो सारी बेसिक चीजों को हमने सीखना शुरू किया था, आपने बड़ी तरीके से क्लियरली आपने समझा होगा और हमारे हिसाब से आपको किसी तरह की कोई डाउट्स नहीं होगा। ओके गाइस, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो आज हम उन्हीं सब सारी चीजों को एक वन बाय वन करके स्टार्ट करेंगे, उसको बढ़ाएंगे और सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने क्या सीखा था कि फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं? फ्रैक्शन तीन प्रकार के होते हैं, पहला होता है सिंपल, दूसरा होता है डेसिमल और तीसरा क्या होता है? कंटिन्यू। सिंपल में हमने प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन हमने पढ़ा है और उसको समझा भी था और आपने बड़ी क्लियरली उसको समझा भी होगा। कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है? किसी तरह की कोई डाउट है? मुझे लग रहा है किसी तरह की कोई डाउट नहीं होगा। ओके, तो आज हम उसी में आगे बढ़ेंगे। मैंने आप लोग को ही बताया था कि फ्रैक्शन को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, उनका तुल्यांक कैसे करते हैं, वो सब सारी चीजें मैंने कल कमिटमेंट किया था कि हम अगली क्लास में इन सब सारी चीजों को सीखेंगे। तो आज उसको स्टार्ट करते हैं, उसको सीखते हैं कि कैसे होता है। अच्छा, मैंने आपको कल की नोटिफिकेशन में जो हमारा 14 जुलाई को एक सूचना आई थी कि यूपी में लेखपाल की वैकेंसी 8000 आने वाली है, तो आप उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएं और जग जाएं। बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे एक सीट अपनी फिक्स करनी है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जहां तक सुनने में आया है अभी कंफर्म क्या है, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा। मैंने ये सुना है कि जितनी भी ये यूपी लेखपाल की जो 8000 वैकेंसी है उसकी जो भरी जाएगी वो पूरा जनरल कोटे में भरी जाएगी। अर्थात ओबी, पहले क्या था, जनरल की अलग सीटें थी, ओबीसी की अलग, एससी की अलग, एसटी की अलग, लेकिन अब ये सब कॉमन रहेगा, जनरल कैटेगरी में फाइट करना पड़ेगा। तो ये सब सारी चीजें ऐसा कुछ सुनने में आया है, कन्फर्म क्या है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पे ही ये सब कन्फर्म होगा। ओके गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, ओके गाइस, मतलब हम भिन्न को कैसे जोड़ते हैं, भिन्न को कैसे जोड़ते हैं, इसमें ए डबल डी, ठीक है, कैसे जोड़ते हैं, इनका जोड़ कैसे होता है, ये सब जानना हमें बहुत जरूरी है। ओके गाइस, तो हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझना शुरू करते हैं कैसे होता है। अगर मान लीजिए हमारे पास दो भिन्न है, सपोज है 2/2 या 3/4 प्लस 1/4, या मैं तो ऐसे कर दिया, लेकिन मान लीजिए हमारे पास दो भिन्न है 3/4 और 1/4, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, जोड़ जैसे जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ेंगे। ओके गाइस,
सेम ऐसे ही जोड़ेंगे जो प्रोसेस है जोड़ने की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 बाई फोर प्लस 1/4। ओके, कोई डाउट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब इसको जोड़ते हैं, कैसे जोड़ेंगे आप करना क्या है, 3/4 प्लस 1/4। अब हम यहां पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे। अब आपने देखा कि 4 यहां भी है और 4 यहां भी है, तो लघुत्तम लेने पे हमें क्या होगा, 4 ही होगा, और ऊपर वाले सेम क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, 3 प्लस 1 अर्थात 4/4 1। ये आपका उत्तर होगा। अगर भिन्न की बात करें तो हमारा 4/1 होगा, अगर इसे अगले स्टेप में हल करें, सरल कर दें, तो ये क्या होगा, कट के 1 हो जाएगा। ये आपका क्या है, जोड़ है। क्या हो, क्या है, जोड़। अगर मान लो ये तो पहला है, दूसरे की बात करें, अगर मान लीजिए आप 3/4 है और दूसरा जो है 1/5 है, इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, कुछ नहीं, आपको सेम एक प्रोसेस अपनानी है, 3/4 प्लस 1/5, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहां पे लघुत्तम लेंगे तो हम दोनों को क्या कर देंगे, यहां पे नीचे गुणा, इसका गुणा यहां कर देंगे, इसका गुणा यहां, तो 3/5 और प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, 5 किया ही 15 और 4 और 5 को 20 अर्थात 19/20 कितना आया, 19/20। कोई दिक्कत, तो ये आपका हो जाएगा जोड़। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें क्या होगा, 20। ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। चलिए इसको सॉल्व करो, और सारे एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेता हूं। चलिए एक एग्जांपल है, 3/4 और 4/9, ठीक है। अब इसको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, वही सेम प्रोसेस, तीसरा क्वेश्चन है। अभी तो हमने क्या किया, दो भिन्नात्मकों को जोड़ रहे हैं, अगर 3 को जोड़ना तो कैसे जोड़ेंगे, 4 को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, सब कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम 2 को एक साथ जोड़कर, मान लो 4 भिन्न आ गया, 4 भिन्नात्मक, पहले इसे सॉल्व करते हैं, प्लस 4/9, यहां पे क्या होगा लघुत्तम, 36, 4 9 36, 9 3 27 और 4 4 16, जोड़ो कितने हुए, 6 7 13, ठीक है, और 2 1 3 और 1 4 जो हासिल आए थे, 43/36, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। अभी मैंने आपसे क्या कहा, अगर 2 भिन्नात्मक है कोई दिक्कत नहीं, अगर 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, तो हम कैसे जोड़ेंगे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कैसे जोड़ेंगे देखिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन है 3/4 9/8, सिंपल ले लो आप पहले, 3/4 1/2 3/2 या 5/2 कुछ भी रख सकते हैं, 2 ले लो या 6 ले लो, ठीक है। तो कैसे हो, चलो करो, 3/4 प्लस 1/2 प्लस 5/6। देखिए सबसे सरल आसान तरीका क्या है, पहले इन दोनों को जोड़ लो, हमारा एक भिन्न प्राप्त हो जाएगा,
उसके बाद जो इसका रिजल्ट वहां पे यक्ष हुआ और प्लस ये पांच रुपए छह, आप इन दोनों का जोड़ आ जाएगा। अगर फोर स्टेप में है, अगर फोर स्टेप में है, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल हो, चलिए मैं इसको अलग कर रहा हूं, तीन बट्टे चार प्लस एक बट्टे दो पांच बट्टे छह और प्लस कुछ भी ले लो चार बट्टे सात, पहले इन दोनों को यक्स प्लस वाई, उसके बाद इन दोनों का निकल जाएगा जीरो, निकलेगा ना, कोई डाउट तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो हम इसी तरह इसका क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले आप इसको देखते हैं कैसे होता है, कैसे होगा, आप यहां लघुत्तम लो, कितना होगा लघुत्तम, चार, चार में एक का भाग करोगे एक, तीन, यहां पे दो, दो होगा, हो जाएगा, ये आपका छूटेगा नहीं, साथ में आएगा, यहां कितना होगा पांच बटे चार प्लस पांच बटे छह। आप ये कहोगे सर आपने नीचे गुणा किया हुआ था, वही है परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इसको भी ऐसे कर सकते हो कि कर लो चार दुनिया आठ द्वितीय छह और चार एक नम चार, दस बटे आठ, दो पच्चे दस और दो चौकू आठ, आ गया ये आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये तो अपने समझने की बात थी। अब यहां से लघुत्तम लो, कैसे लोगे, ले लो कैसे लोगे, चार का करो गुणनखंड, दो दूनी चार, यहां पे छह का दो तिहाई छह, दो गुणे दो गुणे तीन, दो दूनी चार, चार के बारह, यहां लघुत्तम हो जाएगा बारह होगा। अब यहां पे देखो चार तिहाई बारह, अब ये जो तीन बचा इस तीन में पांच का गुणा कर दो पंद्रह, प्लस इसमें छह दूनी बारह, दो आया दो में पांच का गुणा कर दो दस, कितना हो गया पच्चीस बट्टे बारह, ये हुआ आपका आंसर कंप्लीट, आपका आंसर इन तीनों को जोड़ने के बाद ये हुआ, हो गया। आप ये सोचोगे सर आपने ये कैसे लघुत्तम निकाल दिया, तो हम क्या किया दो का पहले चार का पहले दो गुणनखंड कर दिया, उसके बाद यहां पर क्या कर दिया एलसीएम निकाल दिया, क्योंकि ये समझने की बात मैंने बोला है स्टेप बाय स्टेप, अगर नहीं करना है तो आप देखो क्या करें, यहां पे हमारा पांच बटे चार आ गया और पांच बटे छह कर दो, छह चौको चौबीस, छह पच्चे तीस, चार पच्चे बीस, कितना हो गया पचास बटे चौबीस, करो करो भाई, काटो कैसे कटेगा, दो एक अनम दो, दो दूनी चार, दो दूनी चार और दो पच्चे दस, पच्चीस बट्टे बारह आ गया, पच्चीस बट्टे बारह आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो हम ऐसे ही साल कर लोगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। चलिए अब आगे चलते हैं, और आई होप मुझे पूरा आशा है कि आपको एडिशन ऑफ फ्रैक्शन अर्थात भिन्नों का या भिन्न का जोड़ आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, आप किसी भी भिन्नात्मक चीज को आप आसानी से जोड़ सकते हैं, इससे थोड़ी और सी टिपिकल आएंगी वो हम अगले स्टेप पे जरूर बताएंगे, ठीक है, ठीक है। चलते हैं अब आगे, अगला है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ओके गाइस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अर्थात इसको हिंदी में करते हैं तुल्य, इसको हिंदी में क्या करते हैं तुल्य भिन्न। अगर मान लीजिए आपका एग्जाम्पल हो तीन बट्टे चार, तीन बट्टे चार,
इसका तुलनात्मक करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे आसान चीज हमारा क्या होता है, जो आसान चीज होता है, हम जितना हर होता है उस हर को अंशपूर्ण हर में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। और इसमें क्या होता है, किसी भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। हम चार से चार काटेंगे तो एक होगा, हमारा रिजल्ट क्या होगा, पहले वाला ही जो तीन बटे चार था वही रहेगा। मगर क्या होगा, हमारे मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन मान में परिवर्तन नहीं होने के बावजूद भी हमारा एक नया रूप आ जाएगा। कैसे आ रहा है, मैंने आपको क्या कहा, इस तीन बट्टे चार में आप इसकी हर की तुलनात्मक कर दो, तुल्य कर दो, इसके इक्विवेलेंट, इसके इक्विवेलेंट कर दो, तो क्या हो गया, चार दे बारह और चार चौक सोलह आ गया। अगर आप इसे काटो पीटोगे तो यही आ गया, चार तीन बारह चार चौक सोलह, परिवर्तन नहीं हुआ ना, कोई डिफरेंस नहीं आया ना वैल्यू में, तो ये आपका तुल्य है। ठीक है, अदर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक बटे दो है, इसका तुलनात्मक भिन्न निकालना है, तो क्या करेंगे, दो बटे दो क्या होगा, दो बटे चार, ये आपकी क्या है, तुल्य भिन्न, क्या है आपका तुल्य भिन्न। तो समझ में आया। अच्छा एक चीज और, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन जरूर मिले। और बिल्कुल आप लोग लेखपाल की तैयारी में लग जाओ, ये आपका एक सीट लेना अपने आप में एक मोटिवेशन है, और आप हमेशा मोटिवेट रहो, क्योंकि ये डिसाइड कर लो कि नौकरी इस बार पक्की है। ठीक है, तो चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। अगला एग्जाम्पल मान लीजिए आपका दो बट्टे नौ है और इसका तुल्य भिन्न निकालना है, कैसे निकलेगा, ठीक वही नौ बट्टे नौ, नौ दुनी अठारह और नन्नवा इक्यासी, कोई मानव परिवर्तन कुछ हुआ नहीं हुआ और हमारा तुल्य फ्रैक्शन बन गया। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही, और आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, नोटबुक जरूर बनाएं, ध्यान से पढ़ें, जो भी दिक्कत आएगी, जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उस डाउट्स को क्लियर करूंगा और नोटबुक जरूर बनाएं। ठीक है, चलते हैं, ओके।